युक्रेन उपरे आक्रमण यथार्थ मस्कोरे विजय दिवस पालन अवसर रे यह कहते रूसिया राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन या सहित निकटने युद्ध शेष न हो पारे रेड स्क्वायर रे अनुष्ठित वार्षिक विजय दिवस परेड रे राष्ट्रपति पुतिन टेलीविजन जगे उद्बोधन दे मातृभूमि भविष्य पर रूसिया सैन्य युक्रेन में लड़ुवा बार्ता देखते अवसर में रूसिया युक्रेन उपर आक्रमण को यथार्थ बोली से कहते सैन्य मान वीरत्व को भी उच्च प्रशंसा कर विजय दिवस में पुतिन कौन बड़ घोषणा करपारती पूर्व चर्चा होता से भली किसी बड़ घोषणा करना पुतिन गोटिया पटे मस्कोरे पुतिन विजय दिवस पालुवा बेले अन्य पटे पोलांड अपदस्थ होती रूसिया राष्ट्रदूत वार्सरे अवस्थापित रूसिया राष्ट्रदूत सर्गेई आबिंद्रों उपरकु नाली रंग फिंगी आंदोलनकारी वार्सरे सोवियत वार मेमोरियल निकटने घटना घटी। मैं इस वक्त इरपिन शहर से महज 10 किलोमीटर की दूरी पर हूँ। रूसी सेना की बर्बरता की एक और तस्वीर मैं आपको दिखाती हूँ। पेट्रोल पंप में मैं मौजूद हूँ और देखिए क्या हाल किया है रूस की सेना ने। यहाँ पर सब कुछ बर्बाद हो चुका है, ये मशीन तबाह हो चुकी है। जो यहाँ पर कितना पेट्रोल भरा जाता है ये यहाँ पर डिस्प्ले होता था, ये मशीन खराब हो चुकी है और कांच के टुकड़े यहाँ पर जगह जगह नजर आ रहे हैं। तबाही की एक नहीं ऐसी कई सारी तस्वीरें हैं। ये यहाँ पर पिक एंड गो स्टोर था, ये भी पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका है। हर तरफ सिर्फ और सिर्फ मलबा है। ये रूसी सेना का तांडव था। आप देखिए यहाँ पर ये शैम्पू वगैरह रखे जाते थे, चॉकलेट्स रखी जाती थी जो आगे डिस्प्ले में होता है, ये यहाँ पर राख टंगा हुआ है। इसके अलावा ये बिलिंग मशीन, ये ऐसी ही बिखरी हुई पड़ी है। बहुत सारा सामान जो स्ट्रक्चर है वो पूरी तरीके से नीचे आ चुका है। ये तस्वीरें चौंकाने वाली हैं। अलग अलग इलाकों में इस तरह की तस्वीरें नजर आएंगी। आप समझिए कि यहाँ से इस तरफ इरपिन है, इस तरफ मोशून है और तीसरी तरफ गोस्तुमल है। तो तीनों तरफ से हमला हो रहा था। यहाँ पर ये जो खेत है, इधर से रूसी सेना हमला कर रही थी, जवाबी कार्रवाई भी यूक्रेन की तरफ से की जा रही थी। उधर रूसी टैंक मौजूद थे गोस्तुमल की तरफ से और इधर से आते हुए वो हमला कर रहे थे और फिर हेलीकॉप्टर से भी यहाँ पर निशाना साधा जा रहा था। यानी कि हर तरफ से, एक तरह से कहा जाएगा उधर गोस्तुमल, इधर इरपिन और इधर मोशून, यहां से यहां पर हमले हो रहे थे। और उसके बाद जो जवाबी कार्रवाई की गई है, ऐसे में कीव का किला बच गया। कीव में अभी तक ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा है और आगे आप देखिए ये जो कार वॉश होती थी यहाँ पर भी काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा है, ये बिखरा हुआ सामान। और यहाँ से अभी तक मलबे को हटाया नहीं गया है क्योंकि कई ऐसे इलाके हैं जहां पर दोबारा से जिंदगी को पटरी पर लाना, दोबारा से चीजों को शुरू करना बहुत मुश्किल है, काफी समय लगेगा। एक तो फंड्स की जरूरत है, उसके अलावा जीरो से शुरू करना ये किसी के लिए भी आसान नहीं होता है, बहुत मुश्किल होता है और वो भी तब जब युद्ध चल रहा है। ये युद्ध कब खत्म होगा किसी को मालूम नहीं है। ये आप देखिए ये कार वॉश होती थी और उसके पीछे करम आप यहां से आइए वो तस्वीरें दिखाइए, ये पूरा सामान बिखरा हुआ है। दरअसल यहाँ पर कार की एक्सेसरीज बनती थी और जो स्ट्रक्चर हम दिखाते हैं ये देख करके समझ में आता है कि ये नया बना हुआ था और काम शुरू ही हो रहा था। कुछ कुछ सामान था ये पूरी तरीके से तहस नहस हो चुका है, सब कुछ बिखर गया है। ये पीछे आप देखिए कई घर भी इससे सटे हुए थे जो इसकी जद में आ गए। ये सामने घर में गीजर आप देख सकते हैं, उधर कुछ कपड़े भी टंगे हुए हैं। तो यहाँ पर लोगों के आशियाने उजड़े, न सिर्फ लोगों के आशियाने उजड़े बल्कि उनका सब कुछ उजड़ गया। उनके अपने उनसे दूर हो गए, उनकी बसी बसाई जिंदगी वीरान हो गई और अब उनको समझ में नहीं आता है कि वो जाएं तो जाएं कहां, करें तो करें क्या। कैमरा पर्सन करम सिंह के साथ जसप्रीत कौर, यूक्रेन, न्यूज 18 इंडिया। चली रूसिया युक्रेन मध्य घमाघट युद्ध हेले एबे पुणी चर्चारे रूसिया राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। खबर आसी पुतिन पुणी थरे बापा हेवाकू जाउछंती। 70 वर्ष बयसरे पुतिन पुणी थरे बापा हेबे। पुतिन को 38 वर्षीय सिक्रेट गर्लफ्रेंड अलीना कबेबा पुणी थरे गर्भवती अछंती। डेली मेल अनुसार एक खबर परे पुतिन चिंताग्रस्त अछंती। पुतिन आगामी अक्टोबर मासरे 70 वर्ष बयसरे पदार्पण करिबे। या पूर्वरु पुतिन एवं अलीनांकर दुई कन्या संतान अछंती, या सहित तांकर अन्य जने संपर्कीय झियो मध्य रहिछि। तेणु पुणी थरे पुतिन बापा हेबाकू चाहू नथिबा जणा पड़िछि।